आपके साथ अमनदीप सलेरो करेंगे खबरों की ओर। देश भर में आज मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट आयोजित की जा रही है। नीट परीक्षा के मद्देनजर राज्यों ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों के साथ परिवहन में भी ढील दी है और भोपाल की बात करें तो यहां परीक्षा 26 केंद्रों में होगी और परीक्षा में करीब 10,000 परीक्षार्थी बैठक लेंगे और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी से बाहर के जिलों में करीब 2,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं, वहीं भोपाल से करीब 7 से 8 हजार छात्र नीट की परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा 2 से 5 बजे की एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी और कोरोना को देखते हुए परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले विद्यार्थियों को 12 बजे रिपोर्टिंग करनी होगी। वहीं प्रशासन ने विद्यार्थियों को सुबह 11:40 तक परीक्षा केंद्र पहुंचने का लक्ष्य रखा है और भोपाल के विद्यार्थियों के लिए 10 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां से उन्हें एग्जाम सेंटर ले जाने के लिए बस मिलेगी। चलिए बात करते हैं रायपुर की, जहां नीट की परीक्षा के लिए 33 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें करीब 12,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने निशुल्क बसों का इंतजाम किया है और ये बसें 20 स्थानों से उपलब्ध होंगे। नीट के जरिए ही देश के प्रमुख संस्थानों में MBBS और BDS कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है और कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, वहीं इनविजिलेटर को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बांटते समय हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा और नीट के लिए पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को कम से कम आधे घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा। हालांकि केंद्र पहुंचने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक का समय निर्धारित किया गया है तो इसी के अनुसार अभ्यर्थियों को अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग स्थानों से बसों की सुविधा मिलेगी। तो इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी भोपाल से अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं तो वहीं राजधानी रायपुर से हमारे साथ में जुड़ गई हैं सुप्रिया पांडे। दोनों ही जगह का हाल जानेंगे पर अतुल सबसे पहले आपके पास आऊंगी कि राजधानी भोपाल में किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही है, सेंटर पे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए देखो हांदीप, आज से नीट की परीक्षा होनी है, ऐसे में पूरे देश में लगभग 16 लाख और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 10,000 विद्यार्थी नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिसमें लगभग 8,000 जो विद्यार्थी हैं वो राजधानी भोपाल के हैं और उसमें 2,000 जो विद्यार्थी हैं वो राजधानी भोपाल के आसपास के क्षेत्र के, यानी कि हम बात करें विदिशा, बीना, सीहोर, गंजवासुदा, होशंगाबाद, ये तमाम ऐसे जो जिले हैं आसपास के, यहाँ के विद्यार्थी यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि सरकार ने COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए अलग से गाइडलाइन भी जारी करी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विद्यार्थियों को यहाँ पे आने के लिए परिवहन जो है मुफ्त सुविधा दी गई है, यानी विद्यार्थी अपने किसी एक अभिभावक के साथ राजधानी भोपाल पहुंच सकते हैं और परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन परिवहन की तरफ से निःशुल्क उसमें सुविधा रहेगा। हालांकि इस समय हम मौजूद हैं अमनदीप, मैं कुछ आपको दृश्य दिखाता हूं। मैं 7 नंबर स्थित केंद्रीय विद्यालय पे हूं जहां पे तैयारी शुरू हो चुकी है। यहां पे विद्यार्थियों को लगभग 11:30 बजे से प्रवेश मिलना चालू हो जाएगा। हालांकि COVID-19 को देखते हुए यहां पे तमाम ऐसी सुविधाएं रखी गई हैं, आप देख सकते हैं गेट के ऊपर सैनिटाइजर रखा गया है, यहाँ पे थर्मल स्कैन भी रखा जाएगा, ऑक्सीमीटर भी रखा जाएगा ताकि जब विद्यार्थी यहाँ पे पहुंचे तो सबसे पहले उनका हाथ सैनिटाइज किया जाए, साथ ही उनका जो है टेम्परेचर थर्मामीटर जो है उनसे नापा जाए, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का पता लगाया जाए, ये तमाम स्थिति जो है यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई है। हालांकि लड़के और लड़कियों के लिए एक अलग से लाइन रखी गई है कि ताकि जिससे किसी भी प्रकार से जो भीड़ की स्थिति ना हो। साथ में सबसे मुख्य कारण ये है कि आप ये देख सकते हैं कि अमनदीप, यहाँ पे पूरी तरीके से गोले बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन कराया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से 12 बजे की एंट्री थी, लेकिन केंद्र की तरफ से यहाँ पे 11:30 बजे से ही एंट्री कर जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई भीड़ यहाँ पे ना हो। साथ ही आप देख सकते हैं कि साथ में यहाँ पे एक बैनर लगाया गया है यहाँ पे केंद्र की तरफ से कि विद्यार्थी जब परीक्षा केंद्र में जाए तो ये तमाम चीजें साथ में नहीं रखे जाती, यानी कि कैलकुलेटर डिवाइस, हेडफोन, टच फोन, कैलकुलेटर और एयरबैग, साथ में कोई गॉगल्स ना हो, कैमरा ना हो, नोटबुक साथ में ना हो, है ना, ये कुछ तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ पे ना रखा जाए।
और साथ ही केंद्र के बाहर कोविड को लेके क्या दिशा निर्देश हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे एक फ्लैक्स लगाया गया है कि उम्मीदवार इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, यानी कि यहाँ पे सामाजिक तैयारियां काफी जोरों पर दिखाई दे रही हैं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा भरोसा करें। चलिए रायपुर का भी हाल जान लेते हैं, सुप्रिया हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सुप्रिया, किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगी आप हमारे दर्शकों को और साथ ही किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा रही, क्योंकि पहले हमने देखा कि काफी ज्यादा बच्चों में कमी देखी गई थी रजिस्ट्रेशन के मुकाबले, तो कितना भरोसा अब बच्चों का दिख रहा है सरकार पर? जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे कि आज नीट की परीक्षाएं हैं और हम परीक्षा केंद्र के बाहर में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर तैयारी हो रही है, तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। बैरिगेट्स लगाए गए हैं बैरिगेट्स के बाहर और फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं। उस गोले के माध्यम से ही स्टूडेंट्स जो है वो प्रवेश करेंगे, साथ ही प्रवेश के लिए एक ही द्वार बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके साथ ही सुरक्षा जो है वो भी रखी जा सके, तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है प्रशासन के द्वारा। स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त में वाहन की व्यवस्था भी की जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कहाँ से आए हैं आप और क्या कहना चाहेंगे कोरोना संक्रमण के दौर में आप एग्जाम दिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डर नहीं लग रहा आपको? डर तो लग रहा है मैम, बट क्या एग्जाम भी तो देना जरूरी है ना मैम। कहाँ से आए हैं आप? जगदलपुर से मैम। जगदलपुर? तो जगदलपुर से आए तो यहाँ पर रात भी रुके होंगे? जी रुके थे मैम, प्रयास विद्यालय में रुके थे, वहाँ सड्डू रायपुर में। सड्डू रायपुर में प्रशासन ने व्यवस्था की थी? प्रशासन ने व्यवस्था की थी मैम। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज से भी आए हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट जो है वो जगदलपुर के रहने वाले हैं, जगदलपुर से यहाँ पर आए हुए हैं एग्जाम दिलाने के लिए और यहाँ पर प्रवेश के लिए 11 बजे से 1:30 बजे तक का समय दिया गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स 9 बजे ही प्रवेश करते हुए नजर आते हैं। तो वही ये बता दूं कि प्रशासन के द्वारा जो है बसों के साथ ही जो स्टूडेंट्स है उसके लिए रहने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये जो स्टूडेंट है वो जगदलपुर से आए थे और इनके लिए रहने की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। ये परीक्षा जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई है। केंद्र में व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर के माध्यम से चेक किया जाएगा। इसके साथ ही सभी स्टूडेंट्स को दूर दूर बैठाया जाएगा और जो जाँच की जानी चाहिए उस तरीके की जाँच जो पहले टच करके जाँच की जाती थी उस तरीके से जाँच। बिल्कुल शुक्रिया, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, आप नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ में अतुल के पास में मैं रुक करूंगी। अतुल, क्या स्टूडेंट्स का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है? अगर स्टूडेंट्स वहां पहुंचे हैं तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए कितना ज्यादा संतुष्ट है वो सरकार की व्यवस्थाओं से। देखिए बिल्कुल अमन, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है अभिभावकों से, तो लगभग रात को 3 बजे से ही जो है राजधानी भोपाल में बच्चों का पहुंचने, विद्यार्थियों का पहुंचने का सिलसिला चालू हो चुका था। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बच्चे, हम उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से प्रबंध लगा और प्रशासन क्या जिस तरीके से इनको सहयोग दिया जा रहा है, जिस तरीके से प्रबंध किया जा रहा है, कितना संतुष्ट है। आपका नाम बता दीजिए मुझे। ईशा माझी, फॉर्म साहब। ईशा, कैसे आए आप यहाँ तक, यानी कौन सा परिवहन आपने यूज किया? सर, मतलब शिवराज सिंह चौहान हमारे सीएम की साइड से बस सुविधा उपलब्ध कराई गई थी जिसने हमें सुहागपुर से होशंगाबाद लाए और होशंगाबाद से हम लोग रात में 4 बजे से हम लोगों ने ट्रैवल किया, फिर मॉर्निंग में भी हम लोग 7:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ से हम लोगों ने खुद ही का मतलब टिकट किराया से फिर हम लोग सेंटर तक पहुँचे। जो बाकी जैसे आप सुहागपुर से जब चले तो यहाँ तक जो स्थिति बनी हुई है इसमें कोई बीच में कोई किराया लिया गया या किसी प्रकार का? नहीं, बिल्कुल किराया नहीं लिया गया, पूरा गवर्नमेंट की साइड से था और बाकी हम लोगों को अच्छे से बैठने के लिए भी व्यवस्था थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आ रहा। कोविड को लेके भी कुछ गाइडलाइन बताई गई है, आप कुछ पेपर्स दिए गए हैं उसमें आपको खुद सेल्फ बताना होगा कोविड को लेके क्या कुछ है उसके अंदर? सर, जो प्रवेश पत्र मिला है हमें तो उसमें कुछ पॉइंट है, सब पॉइंट है उसमें, कोविड-19 का कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें खुद ही को करना होगा, मतलब हमें उसी से इंस्ट्रक्शन मिले थे। तो खास बात यह है कि बच्चों को बताना होगा कोविड को लेके पूरी कि किस तरीके से उनका कोई कफ तो नहीं है, कोई बुखार तो नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो विद्यार्थी यहाँ पहुंचे से बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए। पूजा सुलानिया, फ्रॉम नार। कैसे आए आप यहाँ तक? यहाँ हम जो हमारे शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने फ्री परिवहन सुविधा जो उपलब्ध कराई उसी की सहायता से हम यहाँ आए। ठीक है, साथ में कोई और या और भी है? फादर आए हैं, उनका भी किराया निःशुल्क ही था। हाँ, निःशुल्क जो गवर्नमेंट ने।
यानी ईशा, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा नंद किशोर से, दिखाएं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का लगभग 9:15 का समय हो चुका है, परीक्षा 2 बजे शुरू होनी है, लेकिन अभी से नहीं यहाँ पे गार्ड्स को भी देख पा रही हूँ तस्वीरों में, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के निर्देश उनको दिए गए हैं और किस तरह से बच्चों से पालन कराया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो पूरी सुरक्षा का इंतजाम रखा हुआ है, पूरी तकनीकी तौर पे हमारे साथ हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अभी आप पूरा यहाँ पे गाइड कर रहे थे किस तरीके से रखना है, क्या कुछ गाइडलाइन रखी है यहाँ पे? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों ने सर्कल्स बनाए हैं, करीब 1.5 से 2 मीटर के बीच में है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि बच्चे लड़कियाँ और लड़कों की अलग सेपरेट लाइन बनाई है, और दोनों की ही एंट्रेंस हम लोगों ने अलग अलग डोज से की है एग्जामिनेशन सेंटर में। मास्क और तमाम चीजों के लिए मास्क सैनिटाइजर और इन सब तमाम चीजों की क्या व्यवस्था की गई है? जो बच्चे अपने मास्क पहन के आ रहे हैं उनको फ्रिक्शन सेंटर तक अपना ही मास्क लेके जाना है, फिर रूमों में इनको एजेंसी से जो कंडक्ट करा रही है वो मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी अपने पुराने मास्क हटाने होंगे और नए मास्क। सैनिटाइजर और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करिए, अंदर किस प्रकार की पूरी व्यवस्था? सारी जगह के हर रूम में आपको सैनिटाइजर और सारी चीजें, जैसे COVID-19 के अंतर्गत जो भी हमें मापदंड दिए गए हैं उसका ख्याल रखा गया। अगर बच्चे अपोस्ता है यहाँ पे, पूर्व में आपने जानकारी दी है, फिलहाल अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या कफ है तो उसके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए भी हम लोगों ने आइसोलेशन रूम रखे हैं, तो अगर जो बच्चा यहाँ पहुँचता है उसको आइसोलेशन रूम में हम लोग ने व्यवस्था की, यानी उसको अलग से बैठ के एग्जाम दिया जाएगा लेकिन उनका आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जी जी बिल्कुल। यानी अमनदीप, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारी है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा करवाई जाएगी, अगर बच्चा यहाँ पे पहुँचता है केंद्र में पहुँचता है लेकिन किसी भी प्रकार का अगर उसको फीवर है, यानी जो टेम्परेचर है WHO की गाइडलाइन के अनुसार अगर उससे ऊपर है तो उसके लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है, बच्चे के लिए वहाँ पे रखा जाएगा, वो परीक्षा दिया जाएगा। और तो एक गौर करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं शिवराज सरकार से। और सुप्रिया आपके पास आऊंगी, इससे पहले हमने देखा था कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके मुकाबले काफी ज्यादा बच्चे कम पहुंचे थे एग्जाम हॉल में, इस बार कितने फीसदी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बार बच्चों की संख्या जो है वो निर्धारित की गई है 12,500 जो बच्चे हैं वो एग्जाम दिलाएंगे। इसके साथ ही एक केंद्र को दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर जो केंद्र है वहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था वो की जा रही है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं। हर एक स्टूडेंट की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से उनकी जाँच की जाएगी, और इसके साथ अगर कोई स्टूडेंट संदिग्ध पाया जाता है तो उसको लेकर के इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी कि वो अलग से ही एक रूम में बैठे और बाकी को उससे खतरा ना हो, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू से ही की जा रही है। अभी 9 बजे है तो 9 बजे से ही यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही एग्जाम के टाइमिंग बता दो तो एग्जाम का टाइमिंग जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो अभी उनके आने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि एक दो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट वो जगदलपुर का पहुंचा हुआ था, तो लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। 11 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ पर स्टूडेंट्स के पहुंचने का टाइम दिया गया है, तो उसी टाइम पर स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर जांच की व्यवस्था वो भी काफी तंदुरुस्त है, सैनिटाइजर हर एक केंद्र में रखा गया है। इसके साथ ही यदि कोई स्टूडेंट मास्क पहनना भूल जाता है तो उसे मास्क भी दिया जाएगा, यदि कोई स्टूडेंट सैनिटाइजर भूल जाता है तो उसे सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है और लगातार यहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद है, गार्ड्स के साथ ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बात हुई या फिर छत्तीसगढ़ की, व्यवस्थाएं काफी ज्यादा तंदुरुस्त नजर आ रही है, पर अब बच्चे कितना इस पर भरोसा दिखाते हैं और कितनी बड़ी संख्या में एग्जाम देने पहुंचते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अतुल आपका और सुप्रिया आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।